सो वेलकम करता हूँ गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। यहाँ पे आज हम दो वॉचेस का कंपैरिजन करेंगे। कलरफिट प्रो 4 आने वाली है और शोकेस हो चुकी है अमेजोन पे, बहुत जल्दी सेल पे जाएगी। मे बी नेक्स्ट मंथ ये सेल पे जा सकती है, अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, बट मैं डेडिकेटेड वीडियो आप सभी के लिए जरूर लेके आ जाऊँगा। यहाँ पे बोट की वेव कनेक्ट जो है उसका मैंने डीप डाउन रिव्यू अनबॉक्सिंग कर रखी है। अच्छी वॉच है, मैं इसको डेली यूज़ एज अ डेली यूज ड्राइवर इसको यूज़ करता हूँ और अच्छी तरीके से वर्क करती है। वैसे दोनों ही वॉचेज़ में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिसिमिलैरिटीज़ हैं। देखेंगे दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो, साथ में फॉरेन टेकपोक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो बिना किसी देरी के इस अमेजिंग कंपैरिजन को हम स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं, तीन चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ, पिक्सल साइज, पर पिक्सल डेंसिटी और शार्पनेस। यहाँ पे डिस्प्ले साइज आपको थोड़ा सा बड़ा मिलता है प्रो 4 का, 1.72 इंचेस की एलसीडी डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे वेव कनेक्ट में आपको 1.69 इंचेस की टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले मिलती है। 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है वेव कनेक्ट में, प्रो 4 में आपको 368 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, तो स्ट्रेट अवे प्रो 4 हमारी जीत जाती है। दूसरा, यहाँ पे प्रो 4 में आपको 60 हर्ट्ज का स्मूथ यूआई मिलता है जो कि वेव कनेक्ट में आपको ऐसा कुछ ऐसा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा लैगी फील होगी आपको वेव कनेक्ट। और रेस्ट टू वेक दोनों मिल जाता है, बट ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता, बट आपको 20-30 सेकंड तक डिस्प्ले ऑन रखने का ऑप्शन मिल जाता है थ्रू सेटिंग्स। 2.5D कर्व ग्लास भी यूज़ किया गया, बट प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली बताया नहीं कंपनी ने, कोई ना कोई स्क्रैच रेजिस्टेंट कंपनी ग्लास यूज़ करती है। 326 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस भी मिल जाती है, तो शार्पनेस भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और साथ में यहाँ पे 500 निट्स की ब्राइटनेस, सनलाइट विजिबिलिटी यहाँ पे बेटर हो जाती है दोनों ही वॉचेज़ में। बात करें यहाँ पे वॉच फेस की, तो क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में ही लगा सकते हो, अपने पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो और एनालॉग वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। बट लाइव वॉच फेस का ऑप्शन तो वेव कनेक्ट में अभी एज ऑफ नाउ तो मेरे को देख नहीं रहा है, बट प्रो 4 में हो सकता है। आगे बात आती है यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे प्रो 4 में, एज कम्पेयर टू वेव कनेक्ट में सिर्फ 60 ही मिलते हैं आपको। और IP68 की रेटिंग आपको दोनों में देखने को मिलती है, तो 1.5 मीटर अप टू 30 मीटर तक सबमर्जेबल है, बट डीप स्विमिंग में लेके नहीं जा सकते। ओपन स्विमिंग का ऑप्शन मिल जाएगा आपको देखने के लिए और नॉर्मल हैंड वैंड वॉश भी आपका चल जाएगा, बट यहाँ पे ओशियन में आप लेके नहीं जा सकते, इवन आप शावर करते हुए भी इसको आप यूज़ नहीं कर सकते दोनों में से किसी भी वॉच को। और 85% तक की एक्यूरेसी मिल जाती है। डेडिकेटेड सेंसर आपको दोनों में ही देखने को मिलते हैं, SPO2 के लिए रेड एक्शन का, ग्रीन एक्शन का, HRO मीटर के लिए, और इसी के साथ साथ यहाँ पे जितने भी सेंसर है वो सारे मिल जाते हैं। बट प्रो 4 में आपको एक प्लस पॉइंट और मिलता है, तो क्राउन इसमें जो है वो वर्किंग है। यस, क्राउन से आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, मेन्यू पे स्क्रॉल कर सकते हो ओवरऑल, और वॉच फेस भी चेंज कर सकते हो, तो ये यूनिक फीचर दिया गया। वेव कनेक्ट में क्राउन का कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे बटन दिए गए हैं आपको नॉर्मल वाली। और वॉच एक्स्ट्रा फीचर्स की बात आती है, स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, कॉलिंग फीचर दोनों मिलता है आपको, और क्विक रिप्लाई का ऑप्शन भी प्रो 4 में आपको देखने को मिल जाएगा, बट वेव कनेक्ट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ पे आपको कॉल आईडी, कॉल कट म्यूट कर सकते हो, कॉल उठा सकते हो, कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो, अप टू 10 कॉन्टैक्ट्स को वेव कनेक्ट में सेव करने का ऑप्शन मिलता है, बट प्रो 4 में आपको ज़्यादा मिलेगा। और उसी के साथ साथ प्रो 4 में भी आप रिंगटोन लगा सकते हो, वाइब्रेशन पे भी रख सकते हो और या म्यूट भी कर सकते हो। वेव कनेक्ट में भी आपको डिफरेंट रिंगटोन चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट प्रो 4 में आपको रिंगटोन चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, कौन सी रिंगटोन लगानी कौन सी नहीं। यहाँ पे आपको प्रो 4 में सिंगल एक रिंगटोन मिलेगी और वाइब्रेशन रख सकते हो, वो भी आप कर सकते हो, बट वेव कनेक्ट में आपको अलग से रिंगटोन्स मिल जाती है क्योंकि इसमें इंटरनल मेमोरी पे ध्यान दिया गया है जो कि प्रो 4 में नहीं है। बट इंटरनल मेमोरी पे आप वेव कनेक्ट में सॉन्ग्स को स्टोर नहीं कर सकते, ना ही आप प्ले कर सकते हो थ्रू द वॉच। और फुल टच पैनल है, स्मूथ मैं कहूँगा प्रो 4 है बहुत ज़्यादा वेव कनेक्ट से। उसी के साथ साथ अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं। और साथ में बात करें ब्लूटूथ वर्जन की, तो 5.1 देखने को मिलेगा प्रो 4 में। उसी के साथ साथ फाइंड माई वॉच, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, एलेक्सा का सपोर्ट मिलता है वेव कनेक्ट में। प्रो 4 में आपको एलेक्सा आई गेस नहीं मिलता है, प्रो 4 मैक्स में एलेक्सा मिलता है, प्रो 4 में आपको क्राउन वर्किंग मिलता है, तो ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट रखा गया है नॉइस की तरफ से। और स्टॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है प्रो 4 में, ये भी बेटर है। और वेव कनेक्ट में आपको साउंड डिटेक्शन का ऑप्शन मिलता है जो कि आपको प्रो 4 मैक्स में मिलता है, जो प्रो 4 में नहीं है। तो गाइस पता नहीं यहाँ पे क्यों डिफरेंस रखा गया प्रो 4 प्रो 4 मैक्स में, यहाँ पे हल्का हल्का ही एंड्रॉइड या iOS से आप पे कर सकते हो दोनों ही वॉचेस, तो ये अच्छी बात है। अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहना कि दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती है। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में कस्टम UI यूज़ किया गया, लिस्ट ग्रेड वाला मेन्यू मिल जाता है आपको, और साथ में यहाँ पे सिंगल बटन कंट्रोल दोनों मिलता है और क्राउन प्रो 4 का वर्किंग है जो कि मेरे को बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। और वेव कनेक्ट में ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो वेव कनेक्ट थोड़ा सा हार्ड जाती है प्रो 4 से इस सेगमेंट में। बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप, तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी जो है वो 300 mAh एक्सपेक्टेड है प्रो 4 में, वेव कनेक्ट में तो एक्जैक्टली 300 mAh दी गई है। 1.5 घंटे से 2 घंटे फुल चार्जर में दोनों ही वॉचेस ले लेती हैं और 30 डेज का स्टैंड बाय टाइम भी प्रोवाइड करती हैं। 7 डेज का रन टाइम क्लेम किया गया ऑन द पेपर यहाँ पे वेव कनेक्ट में, प्रो 4 में आपको 10 दिन का रन टाइम क्लेम किया गया है। साथ ही में यहाँ पे चार्जिंग टाइम, मैग्नेटिक चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है दोनों ही वॉचेस में। और इसी के साथ साथ एक्चुअल यूज़ की बात करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन कर दो आप, तो आराम से आपको यहाँ पे रन टाइम मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, मतलब अगर आप फिटनेस वॉच यूज़ करते हो तो 5 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाएगा, बट अगर आप हैवी यूज़ करते हो तो आराम से आपको 2 दिन तक चल सकती है दोनों ही वॉचेस।
अब बात आती है मेन फीचर्स की। HR मॉनिटर मिल जाता है, SQ2 मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है, स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन वेव कनेक्ट में मिल जाता है, प्रो 4 में भी आपको स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाता है, एक्यूरेसी दोनों की सिमिलर है, स्लीप ट्रैक कर सकते हो, और गाइस मिनिमम आपको 3 आवर्स से ऊपर स्लीप करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, देन ओनली आपको बताया गया ये। अब नैप्स को रिकॉर्ड नहीं करते दोनों में से कोई सी वॉचेस, 20-30 मिनट्स का आप नैप लेते हो तो वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आगे बात आती है ब्रीद रिलैक्स का मोड दोनों में देखने को मिल जाता है, उसी के साथ साथ सेडेंटरी रिमाइंडर के साथ साथ फीमेल हेड ट्रैकिंग का ऑप्शन भी दोनों में देखने को मिलता है। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं दोनों की ही सेम है, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलने वाला है आपको देखने के लिए। वेव कनेक्ट की बात मैं करूँ यहाँ पे, या अगर मैं प्रो 4 की बात करूँ, वॉच का जो वेट है वो कहीं ना कहीं प्रो 4 का 43 ग्राम्स का है, और यहाँ पे वेव कनेक्ट में 51 ग्राम्स का आपको देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ 22mm स्ट्रैप साइज यूज़ किया गया दोनों ही वॉचेज़ में। और प्रो 4 में आप आफ्टर मार्केट का लगा सकते हो, वेव कनेक्ट में आफ्टर मार्केट का आप नहीं लगा सकते, ये सबसे बड़ा फ्लॉ है, क्योंकि वेव कनेक्ट में एक थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म दिया गया है, जो कि जैसे कि एप्पल की वॉचेस में होता है उस तरीके से। तो इसका अगर आपको स्ट्रैप चाहिए वेव कनेक्ट का, तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही बाय करना पड़ेगा आपको, अदर वेबसाइट्स पे या ऑनलाइन नहीं मिलेगा। अगर बात आती है सिलिकॉन स्ट्रैप की, तो दोनों में ही आपको बहुत ही बेटर मिलता है स्ट्रैप की क्वालिटी, और वॉच डायल और बेस दोनों ही पॉलीकार्बोनेट है, बट यहाँ पे एल्युमिनियम होता तो और भी बेटर था, मेरे को थोड़ा सा फ्लॉ लगा ये पॉलीकार्बोनेट बिल्ड, बट रगेड बिल्ड है, बट ओवरऑल अगर आपको भी पता है एल्युमिनियम केसिंग होती तो ज़्यादा यहाँ पे बेटर फील होता है, इन हैंड फील प्रीमियम आता है। अब बात करें यहाँ पे प्राइस ब्रैकेट की, तो वेव कनेक्ट आपकी अवेलेबल है, अभी तो अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं फ्लिपकार्ट पे कब आएगी कब नहीं आएगी, तो मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता आपको, मे बी नेक्स्ट मंथ आ सकती है और फर्स्ट वीक, और डी तो आ ही गई है वैसे भी, तो ये भी आ सकती है वेव कनेक्ट कभी भी, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बट अगर आपको तब भी चाहिए, तब भी अगर आपको इसको बाय करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आपको सिर्फ 3134 रुपये मिल जाएगी कूपन कोड अप्लाई करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाना है आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। प्रो 4 की बात मैं करूँ तो अवेलेबल होगी बहुत जल्दी अमेजोन पे, 4000 रुपीज़ मैं सोच रहा हूँ इसका प्राइस हो सकता है, वैसे एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, कन्फर्म तो हो नहीं, बट यहाँ पे प्रो 4 में 4000 रुपीज़ हो सकता है। अब ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हैं, देखिए कंक्लूजन में आने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, और अदर जो बेस्ट डील है क्रॉस बीट्स की वॉचेस के ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ पे जाके अप टू 10-12% रिस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हो, फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हो। यहाँ पे अगर कंक्लूजन की बात मैं करूँ तो आपको करीब करीब 1000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे प्रो 4 के लिए, मतलब 900 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे प्रो 4 के लिए। क्या 900 रुपये वर्थ है? यस, अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए, शार्पनेस बेटर चाहिए, और ओवरऑल यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा चाहिए, क्राउन वर्किंग चाहिए, तो आपको जाना चाहिए प्रो 4 के लिए, स्ट्रेट अवे मैं कहता हूँ। बट अगर आपको एलेक्सा बिल्ट इन चाहिए, आपको नॉइस मतलब डिटेक्शन का ऑप्शन चाहिए, तो वेव कनेक्ट आपके लिए बनी हुई है, और कॉम्पैक्ट साइज़ चाहिए तो वेव कनेक्ट आपके लिए बनी हुई है। प्रो 4 भी कॉम्पैक्ट साइज़ में आती है, बट इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं जितना आपका वेव कनेक्ट मिलती है आपको, तो ओवरऑल यहाँ पे मेरा वोट दोनों के लिए जाता है आधा आधा, क्योंकि वेव कनेक्ट में पॉसिबिलिटी यूज़ कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, यहाँ पे वर्क कर रही है, और प्रो 4 में भी आपको अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, क्राउन वर्किंग है, तो आप दोनों ही वॉचेज़ के लिए जा सकते हो। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी, बहुत सारे लोग पूछें कौन सी लें, तो प्रो 4 के लिए आप जा सकते हो, क्योंकि अगर आपको पिक्सल साइज़ और यहाँ पे शार्पनेस बेटर चाहिए तो प्रो 4 ही आपके लिए बनी हुई है, वेव कनेक्ट को आप साइड रख सकते हो। तो गाइस ये था मेरा डीप डाउन कंपैरिजन, अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ रहता है, या किसी और वॉच का कंपैरिजन भी चाहिए, तो आप जरूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।